Hey guys, welcome back to my YouTube channel शहनाज अपडेट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक सैड न्यूज़ देने वाली हूँ सारे के सारे फैंस को, मतलब रियांश फैंस को, और एक जो है इम्पॉर्टेंट वाली न्यूज़ बताने वाली हूँ सारे के सारे, मतलब ऑल फैंस को एंड ऑल व्यूअर को। सो या इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स की बातें होने वाली है इस वीडियो पर, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे रियांश जी हाँ, सो हमारे रियांश के साथ टक्कर मुकाबले में चार जोड़ी आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स पे, जी हाँ चार जोड़ी है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स पे, हमारे रियांश भी उसमें में है, मतलब तीन जोड़ी है और हमारे रियांश को लेकर चार जोड़ी हुई। सो चार जोड़ी एकदम टक्कर कंपटीशन मुकाबला होगा चार जोड़ी के बीच। बट आप लोग देख सकते हो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में बस और बस दो ही जोड़ी थी, एक थी रियांश की जोड़ी एंड और सेकेंड थी हमारी राधा कृष्ण की जोड़ी, जो हमें राधा कृष्ण शो में देखने को मिलती थी। सो वो जोड़ी अब दोनों में से दो लोग ही, तो मतलब दो जोड़ी ही तो जीत नहीं सकते ना। सो एक ही जोड़ी जीती थी, वो थी राधा कृष्ण की जोड़ी। सो हमारे रियांश को बहुत सारे वोट्स गए थे बट उसके बावजूद भी हमारे रियांश नहीं जीते। सो गाइस, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो हमारे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड पे चार जोड़ी है, जी हाँ। तो चार जोड़ी के बीच एकदम मतलब टक्कर का मुकाबला होगा, एकदम कंपटीशन रहेगा, एक ट्रैक वाला कंपटीशन है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ हमारा हम चार जोड़ी अब कौन कौन से हैं। सो साक्षी एंड प्रियन की जोड़ी, सो साक्षी की जोड़ी जो हमें शौर्या और अनोखी की कहानी शो में देखने को मिलती है, मतलब अभी वो शो अभी रनिंग में चल रहा है। सो हमारे प्रियन की जोड़ी जो हमें कुंडली भाग्य में देखने को मिलती है अभी, वो जोड़ी भी मतलब वो शो भी अभी चलता है। सो गाइस, उसके बाद अब जो है रियांश की जोड़ी जो हमें वंश और रिद्धमा की जोड़ी जो हमें इश्क में मजाओं सीजन 2 में देखने को मिलती थी, एंड और एक वान की जोड़ी जो हमें नागिन 5 में देखने को मिली थी, एंड आगे भी कोई प्रोजेक्ट में मतलब आगे भी वो नागिन 6 में वो देखने को मिल सकती है हमें। एंड रियांश जोड़ी भी वैसी हमारे उसमें में जो सीजन 3 में हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो गाइस, इस चार जोड़ी में जो है एक टक्कर का मुकाबला होगा, जी हाँ। सो हमारे आप लोगों को बता दें वोट्स किसको ज़्यादा गए हैं किसको नहीं, यही सैड न्यूज़ है। सो यही इंपॉर्टेंट वाली न्यूज़ है। सो गाइस, आप बता दें, सो फर्स्ट में है मतलब वोट्स के भी रैंकिंग होते हैं आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स के, हम लोग ऐसा बकवास करके रैंकिंग नहीं करते। तो हम लोग वोट्स वहाँ पर जो है मतलब हम लोग को दिखा दिया जाता है कि कौन सी जोड़ी लीडिंग में है भाई, कौन सा एक्टर एक्ट्रेस लीडिंग में है, कौन सा क्या मतलब कौन सा शो लीडिंग में है। सो हम लोग को दिखा दिया जाता है। सो फर्स्ट में है प्रियन एंड साक्षी की जोड़ी, जी हाँ। सो फर्स्ट में साक्षी जो हमें शौर्या एंड अनोखी की कहानी में देखने को मिलती है, एंड कुंडली भाग्य में हमें प्रियन की जोड़ी देखने को मिलती है। तो दोनों की पॉपुलरिटी रियांश से ज़्यादा नहीं है बट फैंस वोट अच्छी खासी कर रहे हैं भाई, इसलिए फर्स्ट पोजिशन में है रियांश सॉरी साक्षी और प्रियन की जोड़ी। अब सेकंड में है हमारे रियांश की जोड़ी, अकेले ही है रियांश के साथ और कोई नहीं है, तो अच्छी बात है। रियांश सेकंड में, अब हमारे रियांश को फर्स्ट में आना है और भी अकेले आना है, ना कि इधर उधर की जोड़ी को साथ में लेकर आना है। तो गाइस, अब आप लोगों को और एक चीज़ बता दें, सो अब थर्ड में है हमारी वानी की जोड़ी जो हमें नागिन 5 में देखने को मिली थी। सो आप लोगों को बता दें हमारी रियांश की जोड़ी एंड वानी की जोड़ी जो है उन दोनों के बीच तो टक्कर का मुकाबला हो ही चुका है, जो एकदम हुआ है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में। अब हम लोग के साथ प्रियन जोड़ी एंड साक्षी जोड़ी के साथ, मतलब वानी जोड़ी है, साक्षी जोड़ी है, प्रियन जोड़ी है, एंड आप लोग देख सकते हैं अभी साक्षी जोड़ी के मतलब साक्षी जोड़ी एंड प्रियन जोड़ी के वोट्स ज़्यादा है। सो हम लोगों को हमारे रियांश के वोट्स ज़्यादा करने होंगे, एंड रियांश के फैंस रियांश को वोट नहीं कर रहे। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस वोट करना है, इतनी सी तो बात है, ये कर लो, वरना इसका फ़ायदा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मैंने आप लोगों को अगले वीडियो पर बताया, तभी मैं दोबारा दोहरा के बता देती हूँ। इसका इफेक्ट हमारे उनके न्यू प्रोजेक्ट पे पड़ेगा एंड उनके म्यूजिक एल्बम सॉन्ग पे पड़ेगा। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस छोटे सी तो चीज़ है, आप लोगों को बस वोट करना है और कुछ नहीं करना है, बस वोट कर दो हमारे रियांश को, फिर और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट कर दो। सो गाइस, अगले कोई अपडेट्स के जरिए मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में मिलती हूँ, और आप लोगों के ये सब अपडेट्स जो भी अपडेट्स आए थे आप लोगों को बता दिया, एंड राहुल सुधीर को कोई न्यू प्रोजेक्ट
मिल चुकी है और ममता मैम अभी कुछ एक न्यू प्रोजेक्ट के वो प्लानिंग कर रही है, ये न्यूज़ आई है। सो आप लोगों को इस न्यूज़ के फुल डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगी अगले वीडियो पर। सो अगले वीडियो का आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस और बस थोड़ा सा वेट करना है, इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट कर लो। मैं अगले वीडियो जल्दी अपलोड करती हूँ एंड इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा सा अपडेट मिला अगर लगा होगा सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। सो अगले वीडियो पे मिलते हैं सारे के सारे सब लोग न्यू अपडेट्स के साथ, राहुल सिद्धि के न्यू प्रोजेक्ट एंड ममता मैम के अपडेट्स के साथ।